नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो परमाणु होता है और परमाणु में भी नाभिक जो होता है, उस नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी जो परमाणु का नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि ए हमारा कोई भी परमाणु है, तो इस परमाणु में जो हमारा नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो यानी जो परमाणु है यह पदार्थ का छोटा से छोटा भाग है, और लेकिन इस परमाणु में जिस पदार्थ का वह परमाणु है उस पदार्थ के सभी गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु होता है यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें यह परमाणु भाग तो लेगा लेकिन यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा। और जो परमाणु होता है इसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। ठीक है, जो परमाणु होता है परमाणु में केंद्र है और केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है वह क्या कहलाता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस, यानी जो परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है उसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, इसको हम नाभिक भी बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और परमाणु जो है, जो नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। ठीक है, जो नाभिक होता है वह परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ठीक है, इसके हमने देखा कि इसके जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इन्हीं दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। और जो प्रोटॉन होता है वह धनात्मक आवेश युक्त होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। इसी के कारण जो नाभिक है वह पूरा कैसा होता है, धनावेशित। ठीक है, क्योंकि नाभिक में जो दो चीजें रहती हैं वो रहती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन यानी ये तो न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पर कैसा चार्ज रहता है, धनावेशित रहता है। इसलिए पूरा जो नाभिक है वह पूरा का पूरा नाभिक धनावेशित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। ये हमें बताना है कि अणु का भाग यानी परमाणु या अणु का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है फोटॉन। तो इसका जो सही आंसर है वह है फोटोन, यानी फोटोन जो है वह परमाणु का भाग नहीं होता है। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह नाभिक में होते हैं और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यह परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन जो होता है वह ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, हमें बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है जे जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वह है चैडविक, यानी कि एटम में न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह की थी चैडविक ने। आगे बढ़ेंगे
जो हृदय फोड़ है, हृदय फोड़ ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, ठीक है, हृदय फोड़ ने प्रस्तावित किया था, लेकिन क्या हुआ था कि न्यूट्रॉन की जो खोज की थी 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने मात्र प्रस्तावित किया था, 1932 में चैडविक ने इसकी खोज कर दी थी। आगे बढ़ते हैं कि जो हीलियम होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हमें बताना है कि जो हीलियम के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन ए है केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी दो प्रोटॉन, ऑप्शन सी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी एक प्रोटॉन एवं दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वह है दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, यानी जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि जो अल्फा कण है हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेशित युक्त आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। आगे बढ़ेंगे कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। तो परमाणु में जो कक्षों को भरने का क्रम है यह किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी है हुंड के नियम द्वारा और ऑप्शन डी है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि जो ऑफ बाउ है यह एक जर्मन भाषा का शब्द है, यानी जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है निर्माण, ठीक है। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वह सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, जब यह ऊर्जा स्तर पूरा भर जाएगा इसके बाद यह उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है यह किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी गाइगर काउंटर, ऑप्शन सी सीस्मोमीटर और ऑप्शन डी अमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है गाइगर काउंटर, यानी जो रेडियो एक्टिविटी है यह गाइगर काउंटर से मापी जाती है। आगे बढ़ेंगे कि जो गाइगर काउंटर होता है इसका दूसरा नाम भी है गाइगर मुलर काउंटर, ठीक है। तो अगर गाइगर काउंटर लिखा मिले या गाइगर मुलर काउंटर लिखा मिले तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही नाम है, या तो गाइगर काउंटर लिख देगा या गाइगर मुलर काउंटर लिख देगा, ठीक है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड 94P242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो P94 242 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह होती है 148। अब कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड है इसका जो सिंबल होता है वह P होता है और इसमें 242 और 94। अब जो 242 है ए है द्रव्यमान संख्या और 94 है इसका परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो जो परमाणु क्रमांक है यह प्रोटोन की संख्या के बराबर होता है, यानी प्रोटोनों की संख्या होगी 94 और द्रव्यमान संख्या है 242। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटोन की संख्या को घटा देंगे, यानी 242 में से हम 94 यानी 94 को माइनस करेंगे तो 148 जो मिलेगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आगे बढ़ेंगे कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है।
तो इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो है 38, ठीक है। जब अगर 18 इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी 38। अब कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं कि जो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अब कैसे निकाली, तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब एक बात और हमने देखी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रोटोन की संख्या के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थे हमारे 18, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 18 ही हो जाएंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या हमने लिख दी 18 और न्यूट्रॉनों की लिख दी है 20, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल हो गया हमारा 38। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है समदाबिक यानी आइसोबार्स, ऑप्शन बी है समावयवी यानी आइसोमर्स, ऑप्शन सी है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स और ऑप्शन डी है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक। आगे बढ़ेंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटोनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो ऐसे परमाणु जिनकी जो परमाणु संख्याएं हों वह तो समान हो किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, इनको हम बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटोनों की संख्या तो होती है समान, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं यह अलग अलग होते हैं, जिसके कारण वह समस्थानिक बन जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।